अब मुझे बताओ साउंड आ रहा है क्या बच्चों इज इट ऑल राइट अब साउंड आएगा बिल्कुल मीनू नेहा रूबी, कंचन कीर्ति राधा शिवानी सभी बच्चे क्लास में पहुंच गए हैं दैट्स ग्रेट हा स्वेटर स्वेटर भी है कैप भी है क्योंकि खांसी जा नहीं रही है तो इस वजह से प्रोटेक्शन एस दे आर तो चलो बच्चों अपने वर्क की शुरुआत करते हैं और हम इन क्वेश्चंस को यहां पे कर रहे थे जहां तक तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने इन क्वेश्चंस को बहुत लाइक like किया है फील लाइक टू डू क्वेश्चन लाइक दिस तो कल बच्चों हम इसमें अच्छा ठीक है अंकिता इट्स गुड तो बच्चों ध्यान से देखो आप यहां कि हम इसमें 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी <coughs> कर चुके हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि शेलीज शेलीज मोस्ट स्कैंडलस पोएम इन द ओपिनियन ऑफ टेलीग्राफ वोस तो ये कौन सी थी हमने आंसर इसमें देखा था लव्स लवोसफी द मास्क एनआर की क्वीन मेब या फिर रिवोल्ट ऑफ इस्लाम तो बच्चों आपने क्या आंसर दिया था बी आंसर दिया था मैक्सिमम बच्चों ने मास्क ऑप एनआर की तो यही वर्क है जो मोस्ट स्कैंडलस था अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डब्ल्यू बी हीस का डब्ल्यू बी एड लेन सेरेमनी एंड कस्टम आप देखो दो वर्ड है दो, दो टर्म है यहां पर एक सेरेमनी है और बच्चों एक है यहां पर कस्टम तो इनमें इन पोएम किस पोयम में वो बेसिकली फोकस करते हैं कस्टम एंड सेरेमनी पे यस बच्चो सेलिंग टू बाइजेंटियम ओके और बताइए इसके अलावा सेलिंग टू बाइजेंटियम द टावर अमंग स्कूल चिल्ड्रन या फिर अ प्रेयर फॉर माई डॉटर तो बच्चों ध्यान से देखेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम इनकी जबरदस्त वर्क है क्रिटिकल वर्क है लेकिन अगर हम बात करें इस इन पर्टिक्यूलर टू टर्म्स की तो अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इस वर्क में वो यूज करते हैं बेसिकली किसको सेरेमनी एंड कस्टम को तो सेरेमनी एंड कस्टम बेसिकली हैड बीन यूज इन दिस पर्टिकुलर वर्क दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर फॉर माई डॉटर तो आंसर हम इसमें क्या रखेंगे डी रखेंगे अच्छा अच्छा ठीक है राधा बट बच्चों ध्यान से रखो लाइक इफ यू आर इफ यू आर वर्किंग और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हैं आप अपने डी के लिए तैयार कर रहे हैं हैं एनवीएस के लिए तैयार कर रहे हैं तो बच्चों आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है है ना उसमें सारे राइटर्स यानी कि डब्ल्यू बी एड्स अगर मैं कहूं तो हंड्रेड वो पूछे जाएंगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन है हमारा दिसवन मैरी क्रैफोर्ड अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है मैरी क्रैफोर्ड एंड फेनी प्राइस बहुत जबरदस्त अगर क्रैफोर्ड को भी भूल जाओ तो बच्चों फेनी प्राइस तो ऐसा एक कैरेक्टर है जो हंड्रेड परसेंट आना ही चाहिए तो ये दोनों ऑर्फन है टू ऑर्फन आर कैरेक्टर इन जेन ऑस्टिन आप जेन ऑस्टिन को तो आप छोड़ नहीं सकते किसी भी केस में किस वर्क में प्राइड एंड प्रेजोडिस एमा मेंसफेल्ड पार्क या फिर बच्चों परज किस वर्क में मैंसफील्ड पार्क क्या बात है बहुत अच्छे बच्चों बिल्कुल सही बात है तो ये बच्चों 100 परसेंट मेन्स पार्क बनेगा इट वुड बी मेन्सफील्ड पार्क इसी में हम देखते हैं दोनों को फेनी प्राइज एंड ऑल्सो मेरी क्रैफोर्ड को फेनी प्राइज बेसिकली इस वर्क में यहां पे हीरोइन है द मेन कैरेक्टर पोटकॉन इंस्टाग्राम कहेंगे <coughs> जी शिवानी इट्स गुड दैट्स ग्रेट अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों और देखते हैं ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक देखो कितना जबरदस्त है ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट ह्यूमन नेचर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है बट ब्लैक एंड ग्रे वॉज डिस्क्राइब्ड बाई ये किसने डिस्क्राइब किया था अपने नॉवेल्स में थॉमस हार्डी ने ग्राहम ग्रीन ने हेनरी जेम्स ने या फिर बच्चों राइडर हेगार्ड ने तो हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट इन हिज पर्टिकुलर ह्यूमन नेचर इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट बट ब्लैक एंड ग्रे एग्जैक्टली बच्चो काफी बच्चों ने इसके सही आंसर देने हार्डली नहीं हार्डली नहीं बच्चो ये ग्राहम ग्रीन थे ये कौन थे मॉडर्निस्ट राइटर ग्राहम ग्रीन तो दिस पर्टिकुलर वर्क कम्स फ्रॉम ग्राहम ग्रीन लेस पढ़ा जाता है बट बच्चो इंपॉर्टेंट है ग्राहम ग्रीन तो आंसर हम क्या रखेंगे इट वुड बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शॉ अब शॉक की बात की गई जीबी शॉ की बात की शॉक क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ द चर्च जीबी शो क्या करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी ऑफ चर्च को है ना एंड द बैरेंस तो दो चीजों को अथॉरिटी ऑफ चर्च को और बैरेंस को किस वर्क में एंड सुपरमैन सेंट जॉन कैंडिडा या फिर बच्चों आर्म्स एंड द मैन किस वर्क में वो बेसिकली चर्च की अथॉरिटी को एग्जैक्टली <coughs> exactly बच्चों बहुत अच्छे ये बिल्कुल सही है इस वर्क का नेम अगर हम देखें तो इट इज बी सेंट जोन तो सेंट जोन में वो बेसिकली अटैक करते हैं इसी चर्च अथॉरिटी पे और उसको क्वेश्चन करते हैं एंड आल्सो किसको बैरेंस को बैरेंस भी कौन है एरिस्टोक्रेटिक क्लास तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास को एंड ऑल्सो अथॉरिटी ऑफ द चर्च को बेसिकली वो कौन है अगर हम अथॉरिटी चर्च अथॉरिटी की बात करें तो बच्चों वो कौन है पादरी तो वो उसको भी करते हैं क्लैरिजी को भी करते हैं तो क्लैरिजी एंड हैव बीन बाय शो इन हिज वर्क सेंट जॉन अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब देखो कितना बढ़िया मैं आपको बता दू ये बच्चों हंड्रेड डॉलर का क्वेश्चन है कितने डॉलर का क्वेश्चन है हंड्रेड डॉलर हैप्पीनेस इज बट एन अकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन बड़ा जबरदस्त वर्क है राइट कीर्ति अगर आप इसको देखेंगे तो यह वर्क आज आपने देखा है पढ़ा नहीं है इस वर्क को आज आपने देखा है और मैंने कहा है कि आपको पढ़ना भी है तो बताओ इसमें यह कौन सी वर्क में आएगा हां वाइ नॉट बिल्कुल शिवानी बिल्कुल मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज बहुत अच्छे बच्चों यही बात है जबरदस्त ये बेसिकली किसमें आता है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज राइट right? किसने बोले हैं मेयर ऑफ ब्रिज में ही इस मेयर ने बोले हैं ये जो प्रोटेगोनिस्ट है इसका अब बताओ बच्चों प्रोटेगोनिस्ट कौन है हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस वर्क हेंचार्ड एग्जैक्टली तो इट इज हेंचार्ड जो इन वर्ड्स को बच्चों बोलता है तो ये हेंचार्ड के वर्ड्स हैं बेसिकली तो स्पोकन बाय होम बाय हेंचार्ड अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप देखो पाउलो कोलियो पाउलो कोलियोज सेलिब्रेटेड वर्क कौन सा है बच्चों द ऑल केमिस्ट मैं आपको बता दूं द ऑल केमिस्ट अगर मैं कॉमेडी की बात करूं अगर हम द ऑल केमिस्ट की एज अ कॉमेडी की बात करें तो बच्चों दैट वाज आल्सो रिटर्न बाय बेन जॉनसन कहा बेन जॉनसन ने बेसिकली इसको लिखा था एलिजाबेथन टाइम में किसमें लिखा था एलिजाबेथन टाइम में एलिजाबेथन एज में लेकिन अब हम मॉडर्निस्ट में देखते हैं पॉलो कोलियो लिखा वर्क द बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ये क्या है एक पिकारेस्क है एपिक ट्रेडिशन है ट्रेवलोग है या फिर बच्चों फैंटेसी लिटरेचर है अच्छा फैंटेसी ये बच्चों ट्रेवलोग है बेसिकली <coughs> इट्स अ ट्रेवलोग ये बेसिकली एक प्रॉटेगोनिस्ट की यहां पे जर्नी की कहानी है जर्नी की कहानी वो अपनी जर्नी को यहां पे दिखाता है तो ट्रेवलोग में आएगा तो इट वुड बी अंडर द जॉनरे ऑफ ट्रेवलोग समझ पा रहे हैं सब लोग जी बच्चों बहुत अच्छे अगले क्वेश्चन में देखते हैं विच नॉवलिस्ट करेक्टली मैचेस विद द कंट्री ही बिलोंग्स टू अब देखो डिफरेंट राइटर्स हमारे पास हैं इजाबेल एलेंडे है कोलंबिया से मारियो वर्गास है चाइल से चिली से पाउलो कॉलियो है ब्राजील से गैब्रियल गार्शिया मार्केज है पेरू से वो कहता है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच है तो अगर मैं इजाबेल की बात करूं बच्चों वो चाइल से है अगर हम मारियो वर्गास की बात करें तो ही इज फ्रॉम मारियो वर्गास इज फ्रॉम कौन से से है चाइल हो गया ये भी किसी अलग से है है ना ये ब्राजील से है तो बच्चों हम यहां पे आंसर क्या कहेंगे तो करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल सही आंसर दिया है मैक्सिमम बच्चों ने रीना मीनू जया अरविंद अंकिता शिवानी राखी अर्चना और आरूज राखी सभी बच्चों ने तो बच्चों हमारा आंसर बी करेक्ट जाएगा सिर्फ ये यह यहां पर करेक्टली मैच है बाकी सारे गलत है है ना कोई स्कैंडिनेवियन है कोई कैम्ब्रियन है एटसेट्रा क्वेश्चन है स्टडी इन स्कारलेट आई स्टडी इन स्कारलेट वो इज द फर्स्ट नॉवेल बाई किसका ऑर्थर केन एन डॉयल का डीएच लॉरेंस का आर एल स्टीवेंशन का स्टीवेंशन या फिर डब्ल्यू एम ठाकरे तो बच्चों किसका हम कहेंगे इसको आई स्टडी इन स्कारलेट बाकी स्कारलेट लेटर तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा ना राइट right, बच्चों बिल्कुल सही आंसर है अर्चना मीनू करेक्ट तारोज यस yes. ये बच्चों आंसर हमारा ए जाएगा सर ऑर्थर कैनन डॉयल सर ऑर्थर कैनडॉयल ने बेसिकली स्टडी इन स्कारलेट को लिखा था और ये जहां तक मुझे याद है कि डिटेक्टिव थीम पे है इट इज बेस्ड ऑन अ डिटेक्टिव थीम चिनुआ छेबेज थिंग्स फॉल अ पार्ट अब देखो क्या कह रहा है चिनुआ छेबे का जो थिंग्स फॉलोअपार्ट था जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क है और वर्ल्ड फेमस है वो इज फॉलोड बाई सीक्वल किस सीक्वल ने इसको फॉलोअप किया था तो बताओ अ मैन ऑफ द पीपल नो लॉन्गरेटीज वीप नॉट चाइल्ड एंड एंट हिल्स ऑन द सवाना तो बच्चो एग्जैक्टली exactly आरूज ये बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने फिर से और ये आंसर हमारा बनेगा बच्चों नो लोंगर एट ईज वर्क तो सारे के सारे उनके ही हैं लेकिन बाकी वर्क अलग हैं अलग समय के बट इसको जो अप करता है बेसिकली वो है नो लोंगर एट ईज तो बी आंसर हम यहां पे देंगे तो अगर हम मॉडर्निस्ट में देखें तो चीनुआछ के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है एलटी में आपका थिंग्स फॉल ए पार्ट भी आता है एलटी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा जिसकी वैकेंसीज इन द पाइप है अब देखो बच्चों इन गैब्रियल गार्सिया मार्केज गैब्रियल गार्सिया मार्केज के किस वर्क में वन हंड्रेड इस ऑफ सॉलिट्यूड द स्टोरी नो रिवोल्व अराउंड मैकोंडो यह मैकोंडो सिटी की बात करता है सिटी ऑफ ये सिटी किसका है तो भाई ये जो गार्ब्रियल गैर्सिया मार्केज का वन हंड्रेड ऑफ सॉलिट्यूड है ये बेसिकली एक सिटी को के रिवॉल्व्स अराउंड करता है मैं कौन ये सिटी है किसका मिरर्स का यानी कि सिटी ऑफ मिरर्स, गार्डन स्टार्स या फिर बच्चों लेक्स। बहुत अच्छे बच्चों स्टार्स बनेगा एग्जैक्टली इट इज अटी ऑफ स्टार्स तो हम इसे सिटी ऑफ स्टार्स कहेंगे राइट right आंसर है आपके अगले क्वेश्चन को देखेंगे फर्स्ट एवर इंडियन पोएट टू विन साहित्य एकेडमी अवॉर्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री अब देखो सबसे बड़ी बात है पहला इंडियन राइटर है पोएट है साहित्य एकेडमी अवॉर्ड जीत रहा है इंग्लिश पोएट्री के लिए ये कौन था जयंत महापात्र माइकल मधुसूदन विक्रम सेठ या फिर बच्चों ए के रामानुजम किसको आंसर करेंगे आप यहां पर हु वुड बी आंसर राइट right, बच्चो इट वो जयंत महापात्रा तो जयंत महापात्रा ने इसको सबसे पहले जीता था और वो भी कभी की बातें हैं 1981 की आप जानते हो बच्चों किस वर्क के लिए इन्होंने जीता था रिलेशनशिप Relationship. रिलेशनशिप्स तो रिलेशनशिप्स इनका वर्क था जिसके लिए जयंत महापात्रा को 1981 में बेसिकली क्या मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड राइट right, बच्चों बहुत अच्छी बिल्कुल सही बात है अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम द ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ओपन अनोन इंडियन इज रिटर्न बाई ये जो लिखा है यहां पे ऑटोबायोग्राफी ओपन अननोन इंडियन ये किसका निराय सिंह चौधरी का है अनीता देसाई का है तारू दत्त का है या फिर बच्चों आर के नारायण का है तो टेकन एज द राइटर ऑफ दिस वर्क किसको लेंगे आप एग्जैक्टली आरूस बहुत अच्छे अंकिता शे श्वेता जया रोबी राखी जी बिल्कुल मेनू शिवानी अरविंद ये बिल्कुल बच्चों ए आंसर जाएगा निरेड सी चौधरी इंडियन राइटर है और बच्चों ने लिखा है एन ऑटोबायोग्राफी ओपन अनोन इंडियन राइटर अगले क्वेश्चन को देखते हैं द लेटेस्ट नॉवेल रिटर्न बाय अमिताभ घोष देखो सारे के सारे जो नोवेल्स हैं हैं तो वो अमिताभ घोष गई लेकिन इसने पूछा है कि इनमें से लेटेस्ट कौन सा है शेडोलाइन एंड द हंग्री टाइड सीओपोपीस फ्लड ऑफ फायर या बच्चों द ग्रेट डी ऑल राइट बच्चों रूबी ठीक है ए आंसर दिया है आपने धर्मेंद्र ए दिया है अर्चना ने बी दिया है लेकिन श्वेता ने डी दिया है द ग्रेट डीरेंजमेंट स्वेता बिल्कुल ठीक है बच्चों डी आंसर बनेगा अच्छा ये बताओ द ग्रेट डी क्या आपने एक वर्क पढ़ा है अ जर्नी अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बताओ बच्चों ये जो वर्क है नीचे वाला ये वर्क बेसिकली किस पे बेस्ड है इसकी थीम क्या है सब्जेक्ट मैटर क्या है बिकॉज द सेम सब्जेक्ट यू वुड फाइंड इन दिस वर्क द ग्रेट डिरेंजमेंट बताओ अगर हम ये देखें बच्चों ये वर्क आपका केवीएस में आने वाला है और केवीएस में भी किस में पीजीटी में जर्नी टू द एंड ऑफ द एंड ऑफ अर्थ में बेसिकली यहां पर सेंटर किसको बनाएगा अंटार्कटिका को अंटार्कटिका और प्यारे बच्चों अंटार्कटिका को सेंटर बनाने के बाद इन्होंने क्या कहा है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है क्लाइमेट चेंज पे किस पे बेस है बच्चों क्लाइमेट चेंज पे और इसी क्लाइमेट चेंज को इसमें शॉ किया गया है ये सेम हम यहां पर देखते हैं तो ये द ग्रेट डीरेंजमेंट जो कि आज की नीड है ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को लगातार जला रहे हैं जिसकी वजह से देर हैज बिन अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ अर्थ पूरी एक ब्लैंकेट में आ गई है किसके स्मोक के गर्मी के हॉट के इसी वजह से लगातार डेप्लीशन किसका हो रहा है ओजोन ओ थ्री का दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द क्लाइमेटिक चेंज ऑन अर्थ अर्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है उसका <coughs> अच्छा नहीं पढ़ा है आपने तो बच्चे उनको पढ़ो कोई बात नहीं है मतलब मेरे कहने का कि ज्यादा से ज्यादा वर्क एनसीईआरटी में मिले कहीं भी मिले आप उनको पढ़ते जाओ हमारी रेंज बड़ी होनी चाहिए फिर हमारे पास कोई सा भी वर्क आए हम उसको फटाक से कर पाएंगे और अभी तो समय है जैसे कोई भी एग्जाम अप्रोच नहीं कर रहा है हम ये वर्क कर रहे हैं और बच्चों दूसरे वर्क कर लगातार करते जाओ मोर एंड मोर वर्क यू मस्ट डू आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन आता है ट्वेंटी नाइन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी बाय ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ राजा राव इसमें से बच्चों राजा राव का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कौन सा है <coughs> <coughs> तो पहली बात तो राजा राव जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर है द रॉप दॉप कैटेंट द शेक्सपियर और बच्चों द ग्रेट इंडियन वे इस चारों ही इनके वर्क हैं पहली बात फिर दूसरा इनका जो बनेगा वो बच्चों क्या बनेगा सेमी ऑटो बायोग्राफिकल कौन सा है चलो बहुत अच्छी बात है अर्चना दैट्स ग्रेट बट अर्चना जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यू वर टू हेल्प मी इन मेकिंग द ग्रुप आपने ग्रुप के लिए हेल्प नहीं की अभी तक आप मुझे कॉल करना बेटा आज ठीक है जी ओके okay, ठीक है बच्चे सरपेंट एंड द रोप है कुछ बच्चों ने अलग जवाब दिए हैं बट दिस इज सरपेंट एंड द रोप ये देखो मार्कर जो था वो कोई दूसरा दे रखा था हमारे हाथ में अब देखो ये ये भी कर रहा है गड़बड़ ये क्या देखो कई बार ये सही चलता है कई बार गड़बड़ करता है ये देखो कितना अलग ये पेन है इसके मूड के ऊपर है कि मोटा चलेगा या फिर बच्चों बारीक चलेगा देख रहे हो मतलब आजकल जो डिजिटल मार्केट में जो मार्कर्स हैं इनकी भी बच्चों इनका भी एटीट्यूड हो गया है लोगों के तो एटीट्यूड है ही अब मार्कर के भी एटीट्यूड देखने पड़ेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जिन बच्चों ने भी कहा है बिल्कुल ठीक है उनके आंसर बच्चों क्या है बी है द सर्पेंट एंड द रॉप करेक्ट एवरी वन हाँ हां अंकिता मैं उसी बात के लिए कह रहा हूं बेटा जी बिल्कुल ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इनमें से कौन सी पोएम वो जो नोट रिटर्न बाई इजैकियल निसीम इजैकियल निसीम की नहीं है माइनॉरिटी पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द पैट्रियट या फिर अवर कैसूरेना ट्री तो बताइए बच्चों कौन सी नहीं है हां नखरे हो गए हैं बिल्कुल सही बात है तो हम इनमें से किसको लेंगे डी <coughs> बहुत अच्छे बच्चों ये अवर कैसुरिना ट्री है दैट वाज रिटन बाय तारुदत्त ये बच्चों किसने लिखा था तारू दत्त ने समझ में आ रहा है आपको तो इट वाज रिटन बाय तारुदत्त द अवर कैसुरेना ट्री <coughs> 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 मयंक मयंक सबके लिए है बेटा exactly बच्चों तो इसको हम इस तरह से देखेंगे अच्छा आगे हम देखेंगे इसको रीड द पैसेज गिवेन बिल एंड कंप्लीट द ये बच्चों हमारा क्या है समय हम देखते हैं एक बार अच्छा आज हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए इतने कमिंग क्लास में हम आपको क्या करेंगे आई वुड बी टेकिंग यू टुवर्ड्स द पैसेजेस अब हम कुछ क्लासेज में क्या करेंगे कुछ पैसेजेस को करेंगे सेज और अदर वैरायटी की चीज भी होते रहना जरूरी है सब बच्चों के लिए सो कमिंग क्लास आज इतना ही वर्क करेंगे कमिंग क्लास में आई वुड बी टेकिंग यू द टुवर्ड्सेंशन राइट बच्चों तो चलिए आज इतना वर्क करते हैं थैंक यू सो मच लिंक रिसेंड कर दो अच्छा ठीक है अरविंद आई वुड बी डूइंग दैट यूजीसी नेट का बेटा कोशिश में है अभी कल फिर कोशिश करते हैं उसके लिए हाँ, टेलीग्राम पे वैसे है वो लिंक सेंड कर दिया है अरविंद आप चाहे तो बेटा टेलीग्राम पे देख लेंगे अभी कल या परसों में ही किया है हमने सेंड उसको उस पर चेक कर लो आप हाँ हाँ अंकिता अंकिता हम आते हैं बिल्कुल अर्चना अर्चना यू हैव टू यू हैव टू मैसेज मी और कॉल मी टू हेल्प फॉर द ग्रुप कि उसको कैसे सही से इक्विप किया जाए अच्छा अरविंद टेलीग्राम पे कनेक्ट है तो बेटा वहां पे जरूर देखो आप आजकल में होगा वहां पे लिंक जरूर ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच बच्चो हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय और टेक केयर कपड़े पहने क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज्यादा है और ज्यादा दिन की नहीं है अगले दस दिन दस दिन बचे हैं बस सर्दी के तो दस दिन अपने आप को सर्दी से बचा लो कैप पहन के टोपी पहन के टोपा पहन के कपड़े पहन के बाकी फिर मस्ती करेंगे राइट बच्चों So thank you so much. <clears throat>